हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल D2R स्टडी। दोस्तों आज मैं सबको लाया हूं दोस्तों, आपको कैसे आईपीएससी नामकरण कर सकते हैं बहुत ही कम समय में, अर्थात बहुत ही कम समय, बहुत सारे बड़ा बड़ा योगों का आईपीएससी नाम कैसे करेंगे उसका शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा और इसका बस कंसेप्ट क्या है दोस्तों मैं बता दूंगा। दोस्तों अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल D2R स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें ताकि सबसे पहले लेटेस्ट एजुकेशन भी आपका पहुंच सके। दोस्तों चलिए हम शुरुआत करते हैं, अपना टॉपिक है आईपीएससी नामकरण। दोस्तों आईपीएससी नामकरण के बारे में अध्ययन करते हैं, आईपीएससी नामकरण का फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें किस तत्वों का अध्ययन, इसमें समाज साधारण नाम कैसा होता है, इसका कैसा संरचना रहेगा, तो कैसे इसको गिनेंगे इसका पहले। तो सबसे पहले आईपीएससी नाम का मैं फुल फॉर्म बताऊंगा, यहाँ देखिए मैं क्या है टॉपिक नाम देता हूँ आईपीएससी नामकरण। दोस्तों आईपीएससी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है दोस्तों, यहाँ देखिए मैं लिख देता हूँ, अब बोलूंगा अभी साथ में, इंटरनेशनल। दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, इंटरनेशनल हो गया दोस्तों, यूनियन हो गया दोस्तों, प्योर हो गया दोस्तों, एंड अप्लाइड हो गया दोस्तों केमिस्ट्री। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, यहाँ पे इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री होगा दोस्तों, इसका फुल फॉर्म हो गया आईपीएससी नामकरण का। तो आप आईपीएससी नामकरण में आपको जैसे कि रहेगा यौगिक दिया हुआ रहेगा, आपसे पूछ दिया है कि इसका आईपीएससी नामकरण क्या होगा, तो इसका कैसे बनाएंगे। देखिए इसका दोस्तों कुछ खास तौर पर नियम होता है, तो कैसे इसका नियम होता है दोस्तों, आपको सबसे पहले आईपीएससी नामकरण का एक पहला सिद्धांत है कि आपको लंबा श्रृंखला लेना है, अर्थात आपको चयन बड़ा लेना है। श्रृंखला को समझते हैं तो बहुत सारा श्रृंखला लंबा जाता है, चेन की तरह जाता है, यानी कि आपको लंबा श्रृंखला लेना है, यानी कि कार्बन की संख्या को आपको उधर से गिनना है जिधर से आपको बहुत बड़ा, यानी कि वहां से ऐसा गिन जैसे आपको देखिए आप रहे। यहाँ रहेगा दोस्तों, ऐसा रहेगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले क्या, यहाँ आपको लंबा चेन लेना है, जैसा मैं एक उदाहरण पर तौर पर ले लिया हूँ, एग्जाम्पल क्या है हमारा, तो आपको बोल दिया जाएगा कि इसका आईपीएससी नामकरण कैसा है, तो पहला नियम क्या लगाएंगे, लंबा चेन, यानी कि कार्बन की संख्या उधर से गिनेंगे कि जहां से हमारा लंबा मिले चेन, यानी कि ये सीधे से गिनते 1 2 3 4 5, हम यहां से यहां तक आ रहे हैं तुम्हारा कार्बन की संख्या कितना मिला है, 5 मिला है, लेकिन हम यहाँ 1 2 3 4 5 इधर जा रहे हैं तो यहाँ क्या मिला है, 6 मिला। कैसे देखिए 1 2 3 4 5 इधर जा रहे हैं तो 6 मिल रहा है, लेकिन इधर जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 4 1 5, इधर जा रहे हैं तो 5 मिल रहा है और इधर से जा रहे हैं तो 6 मिल रहा है, तो हमारा पहला कंडीशन तो सत हो गया कि हमारा लंबा ही जाना है क्योंकि लंबा चेन लेना है, पहला तो सही हमारा ऊपर वाला ही होगा, नीचे मार जो ये होगा जो रॉन्ग हो जाएगा, यानी ऊपर लेना पहला दोस्तों, पहला तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा कि सबसे लंबा चेन लेना है। फिर सेकंड हमारा सिद्धांत यह आ गया कि आपको उधर से कार्बन की संख्या गिनिएगा, आप तो बस ले लिए कि हमारे पास 6 हुई अधिकतम से मैक्सिमम कार्बन की संख्या हो जाएगा, लेकिन आपको कोई शाखा रहेगा, कोई शाखा उपस्थित रहेंगे, जैसे मेथिल समूह रहेगा, एथिल समूह, प्रोपिल रहेगा, ब्यूटिल समूह, तो आपको कैसे करेगा, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे आएगा C3, तो यहाँ पे देखिए जब ऐसा उधर से कार्बन की संख्या उधर से गिनेंगे जहां से हमारा जो रहेगा यानी कि शाखा नजदीक पड़े, इधर से गिनते हैं शाखा देखते हैं कहाँ पे पहुंची, शाखा की संख्या यही है, यही तो शाखा हो जाता है, अब जानते नहीं है कि पेड़ पौधे में जैसे ऐसे रहते हैं यहाँ से शाखा निकले थे, टहनिया निकले थे, उसी को तो बोला जाता है शाखा, तो यहाँ पे देखिए लंबा चेन, यहाँ से शाखा निकला हुआ, तो यहाँ से गिनेगा 1 2 3, चौथा पर शाखा एक निकला हुआ है C3 समूह, इधर से गिनेगा 1 2 3, इधर से तीसरा पर निकला हुआ है 1 2, यहाँ तीसरे कार्बन पर निकला हुआ है, तो हम इधर से ही गिनेंगे, हम इधर से नहीं गिन सकते, हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ से शाखा बहुत दूर पड़ता है, इधर से गिनेगा तो तीसरा स्थान पर आएगा, यहाँ से गिनेगा तो क्या जाएगा, चौथा स्थान पर आ जाएगा, इसलिए हम इधर से गिनेंगे, यहाँ पे ये भी रॉन्ग हो गया, यानी कि हमारा किधर से गिनना है 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले लंबा चेन ले लीजिएगा जैसे आपको बहुत बड़ा लंबा चेन मिले, फिर उसके बाद शाखा जिधर से नजदीक पड़े वहां आपको शाखा दूर से गिनेगा। दोस्तों यहाँ पे नामांकन कैसे करेंगे, दोस्तों इसका नामांकन कैसे होगा, सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे जो समूह होगा उसको आप लिख दीजिएगा, तो समूह का पोजीशन लिखिएगा, समूह C3 समूह है और किस स्थान पर है 3 पर, उसको ऐसे लिखेगा,
पहले इसका पोजीशन लिखिएगा, तीसरे स्थान पर सिर्फ तीन लिख दिया, ऐसे डैश दे दीजिएगा। यहाँ क्या है सी थ्री। दोस्तों यहाँ पे बताता हूँ दोस्तों कि जब भी आप अल्केन में से एक हाइड्रोजन को घटाते हैं तो वहां से एल्किल समूह का निर्माण होता है। क्या देखिए, अल्केन में से भी आप एक हाइड्रोजन को घटाते हैं तो हमारा समूह का जो निर्माण होगा अल्काइल समूह का निर्माण होगा। जैसा कि CH4 में से जब एक हाइड्रोजन को घटा देते हैं तो C3 बनेगा, और इसी को कहा जाता है, जब CH4 को कहा जाता है मीथेन, तो CH4 को कहा जाएगा मिथाइल। यानी कि इसमें जो YL लगता है, जो अनुलग्न, अनुलग्न मतलब पीछे होता है, यानी कि अनुलग्न लगेगा जो YL लगेगा N के जगह पर। यानी कि जब CH4 से एक हाइड्रोजन को घटा देंगे तो बन जाएगा C3, और उसे ही कहा जाता है मिथाइल, जो एल्किल समूह है। तो यहाँ पे देखिए C3 जो है एल्किल समूह है, तो यहाँ एल्किल समूह C3 का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, मिथाइल, यानी कि 3-मिथाइल। आप देखिए यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 है, तो 6 के लिए आप बताया गया है, 6 के लिए जो n बराबर 6 होता है उसके लिए बोला जाता है हेक्स। अब यहाँ पे 6 क्या सभी में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होते हैं जो अल्केन होते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। जी हमारे इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को अवश्य देख लीजिए, जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ सकेंगे कि क्या C3 है, क्या C2 है, क्या यहाँ पे हेक्सेन आ रहा है, हेक्सेन प्रोपेन प्रोपेन, ये सब समझ जाएंगे आपको। ऐसे पहले वाले वीडियो आपको बहुत सारा हाइड्रोकार्बन से शुरुआत किया, जीरो लेवल से किया गया, कैसा हाइड्रोकार्बन है, इसमें कितने पार्ट बांटे हैं, आपको सारा बता दें, इसलिए वीडियो को अवश्य देखे जिससे आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए हेक्सेन कैसा है, आपको भी एक बहुत अच्छी तरह से बात बताता हूँ कि जो सिंगल बॉन्ड रहेगा, जो सिंगल बॉन्ड रहेगा उसको कहा जाता है अल्केन, जो डबल बॉन्ड रहेगा उसको कहा जाएगा अल्कीन, और जो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसको कहा जाएगा अल्काइन। जैसे हम देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, इसको कह देंगे हम क्या, अल्काइन। यहां डबल बॉन्ड रहेगा उसको कहेंगे अल्के, अल्कीन कहेंगे, और जहां सिंगल बॉन्ड रहेगा उसको कहेंगे अल्केन। यहां समझ में आया, यहां तो देखिए सभी सिंगल बॉन्ड है, इसलिए मैं क्या क्या कहा, हेक्सेन कहा, इसलिए आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए बस यहाँ कुछ कंसेप्ट नहीं, बस एक नया बात आपको बता दिया हूँ, क्या कि जो सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड रहेगा उसका कंसेप्ट है, जो सिंगल बॉन्ड रहेंगे जो अल्केन हो जाएंगे, जो डबल बॉन्ड रहेंगे अल्कीन हो जाएंगे, और जो ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे वो अल्काइन हो जाएंगे। एक नया कंसेप्ट बता दिया गया हूँ कि यदि आप अल्केन में से एक हाइड्रोजन को घटा देते हैं तो बन जाएगा हमारा अल्काइल ग्रुप, अल्काइल समूह बन जाएगा। यहाँ पे देखिए C3 अल्काइल समूह था, तो C3 का समूह किस स्थान पर था, तीसरे स्थान पर। मैंने इसलिए लिख दिया क्या, 3-मिथाइल, फिर कार्बन की संख्या गिना 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसलिए मैं लिख दिया हेक्सेन। जैसा कि और देखते हैं यहाँ है, तो यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या को गिनना क्या, सबसे पहला बात क्या है, लंबा चेन गिनेगा किधर से, जहां से सबसे लंबा चेन बनेगा 1, 2, 3, इधर से भी गिनिएगा, यहाँ क्या आ गया 1, 2, 3। आप अब इसका दूसरा कंडीशन क्या है, आप फिर बोलेगा कि ऐसा उधर से गिनिए कि जहां से शाखा नजदीक पड़े, मैं इधर से गिनता हूँ 1, 2, इधर से गिनूंगा 1, 2, अर्थात दोनों तरफ लाइट लाइट यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि क्या हो गया, राइट एंड लेफ्ट साइड से गिनने पर दोनों स्थान पर ही हमारा दूसरे स्थान पर मिथाइल समूह आ रहा है, इसलिए मैं किधर से गिन सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए मैं इधर से गिनता हूँ 1, 2। यहाँ कितने स्थान पर है मिथाइल समूह, दूसरे स्थान पर, इसलिए इसका पोजिशन लिखा जाएगा, तो पोजिशन किस लिखा जाएगा, 2-मिथाइल। यहाँ पे क्या है 1, 2, 3, कार्बन की संख्या कितने हैं, 3 है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 4-3। दोस्तों इसका ये ऑफिशियल नाम है, लेकिन इसका मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ कि जो इसका एक सामान्य नाम होता है, जो इसको बोला जाता है दोस्तों क्या, आइसोब्यूटेन बोला जाता है, इसका ही नाम है दोस्तों, ये क्या हो गया आईपीएसी नाम, एक हमारा क्या है कॉमन नेम हो गया, क्या हमारा कॉमन नेम, यहाँ क्या हो गया आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन इसको ही कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा, बहुत अच्छे से कम काम आ जाएगा हर कंपटीशन लेवल में। ऑर्गेनिक से आपको बहुत ही मैक्सिमम परसेंटेज का प्रश्न पूछा जाता है, और ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है आपको लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही केमिस्ट्री का बल पार है, इसलिए से देखते चलिए दोस्तों। इसका तो मैं 2 एग्जाम्पल ले लिया, अब थर्ड एग्जाम्पल लेता हूँ, देखिए कैसे थर्ड एग्जाम्पल कैसे लूंगा, देखिए यहाँ पे कैसा, यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, ऐसा रहेगा
तो आपको कार्बन की संख्या गिनना है दोस्तों। तो कार्बन से आप कैसे गिनेंगे, एक दो तीन चार, इधर से गिन रहे हैं तो हमारा चार आ रहा है, चार कार्बन आ रहा है। हम इधर से नीचे तो गिनते हैं, एक दो तीन चार, एक पांच, यहाँ C2H5 है, अर्थात यहाँ समझ सकते हैं C2H5 को तोड़िएगा भी तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH2 CH3, यानी कभी इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बस घुमाने के लिए, दिमाग को थोड़ा सटीक करने के लिए मैं यहाँ पे क्या इसको मैं शॉर्टकट लिख दिया, यहाँ पे मैं इसको ऐसे नहीं लिख कर मैं यहाँ पे क्या कर दिया C2H5। इसको कार्बन संख्या इधर से गिनाएगा, इधर से नहीं गिनाएगा, क्योंकि इधर से आप गिनेगा तो हमारा क्या रहेगा, चार ही कार्बन आ जाएंगे। लेकिन जब मैं इधर से गिनूंगा तो हमारा एक दो तीन चार पांच कार्बन आ जाएंगे, इसलिए मैं इधर से नहीं, पूरा इधर लंबा चेन हमारा ये होगा। अब बात दूसरे कंडीशन पर आकर अटक गई है कि मैं किधर से इसको कार्बन की संख्या गिनूंगा, तो यहाँ पे गिनूंगा एक दो तीन, तीसरे स्थान पर मेथिल समूह आ रहा है, तो शाखा एक निकला हुआ है। अब इधर से गिनते एक दो तीन, इधर से भी तीन, तीसरे स्थान पर शाखा निकला हुआ, इसलिए मैं किसी तरह से गिन सकता हूँ, अब डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि एक दो तीन, यहाँ पे क्या होगा चार, यहाँ पे पांच, कैसे लिख सकते, देखिए यहाँ लिखा जाएगा क्या, थ्री मिथाइल आ जाएगा। कार्बन संख्या पांच है दोस्तों, आपको बता दिया गया है कि जब एन बराबर पांच रहता है तो उसको बोला जाता है टेंट। तो वीडियो अवश्य देख लें, उसको आपको बहुत अच्छी तरह से अच्छा खासा परिचय करा दिया गया है हाइड्रोकार्बन का, जो एन बराबर है उसको भी आप अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपको कोई भी पता नहीं, लेकिन यहाँ देखिए एन बराबर पांच है तो पांच के लिए आता हमारा क्या आता है, टेंट आता है, अनुलग्न आता है, यहाँ पूर्व लग्न टेंट आया, यानी क्या टेंट लगा दूँ। यहाँ देखिए सभी सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा एन, क्योंकि अल्केन का ही सूत्र होता है CH2+2, रख देंगे पांच तो क्या लगा, क्या लगा दोस्तों, आपको IPC नाम जो है मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों एक और देखते दोस्तों एक और देखते एग्जाम्पल, देखिए यहाँ हमारा दोस्तों इसका IUPAC नाम करना है आपको। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला बात तो कि लंबा चेन ले लेंगे, तो लंबा चेन तो मैंने यही होगा क्योंकि एक दो तीन चार पांच हमारा क्या है, अधिकतम संख्या छह आ रहा है, एक दो तीन चार पांच छह, यहाँ से गिनेगा दोस्तों, और गिनेगा तो क्या आता है, एक दो तीन चार पांच छह, इधर से भी छह आ रहा है, इधर से भी छह, यानी हमारा जो अधिकतम कार्बन संख्या जो छह होगा, यानी कि लंबा चेन का तुम्हारा यही होगा, बस या तो बस कंफर्म है तुम्हारा यही होगा। बस अब क्या बात अटक जाती है कि मैं किधर से कार्बन की संख्या गिनूं कि हमारा जो शाखा नजदीक पड़े, तो शाखा नजदीक पड़ने का आपको बहुत सारा शाखा रहेगा, दो तीन शाखा रहेगा, तो कैसे बता सकते कौन सा नजदीक है, उसका एक ट्रिक है। जैसे इधर से गिने क्या रहा है, एक दो, यानी कि दूसरे स्थान पर आ रहा है, फिर तीसरा चौथा, यानी कि दूसरा पर आ रहा है चौथा पर आ रहा है, बस एक कांसेप्ट ना है। तो दो और चार को जोड़ दीजिए क्या रहेगा, छह। अब इधर से गिनते हैं, एक दो तीन चार पांच, यानी कि हमारा क्या आ रहा है, तीन पर आ रहा है और पांच पर आ रहा है, तो तीन और पांच को जोड़िए क्या रहेगा, आठ। अब बताइए कि आठ बड़ा है कि छह बड़ा है, आठ बड़ा है, जिधर संख्या बड़ा रहे उधर नहीं गिनिए, क्योंकि हमारा कम लाना है, यानी कि जो शाखा की संख्या नजदीक पड़े और शाखा की संख्या कम पड़े, यानी कि नजदीक पड़े, यानी कि छो ही तो है, आठ और छो में कम, यानी कि छो हमारा इधर से ही गिना जाएगा, इधर से गिन रहे तो तीसरा पर आ रहा है और पांचवा पर आ रहा है, लेकिन इधर से गिन रहे हैं तो दूसरा पर आ रहा है और चौथा पर आ रहा है, इसलिए हमारा दूसरा और चौथा जो शाखा होगा नजदीक होगा, कैसे होगा, क्योंकि दो और चार को जोड़ने पर छह आ रहा है, लेकिन तीन और पांच को जोड़ने पर आठ आ रहा है, इसलिए हमारा आठ वाला होगा जो रॉन्ग होगा, और जो दो और चार है जो हमारा सही होगा, इसलिए इधर से गिनेंगे। तीसरे क्या गिनेंगे, देखिए पहले दूसरा पर भी आ रहा है और तीसरा पर एक ही संग, आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों कि देखो शाखा एक ही रहे लेकिन उसका पोजीशन अलग अलग रहे, तो उसके लिए बहुत सारा एक शब्द आता है, जैसे डाई आता है, ट्राई आता है, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, आपको बहुत हेक्टा रहेगा। यहाँ पे देखिए दो आ रहा है तो इसको सबसे पहले पोजीशन को अलग अलग जहां पर है उसको लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, दो कौमा चार, के गो है दोस्तों C3 समूह दो गो, तो दो के लिए आता है डाई, इसलिए मैं लिख देता हूँ दो गुना चार, दो कौमा चार डाई मिथाइल। दोस्तों यहाँ कार्बन संख्या कितना दोस्तों, एक तीन तीन छह, तो छह के लिए दोस्तों आता है हेक्स, दोस्तों यहाँ सिंगल बॉन्ड है इसीलिए हो जाएगा हेक्सेन।
अर्थात हमारा जो आईपीसी नामकरण आ गया, इसका हमारा ये जो करेक्ट है बहुत ही सही है, बहुत ही अच्छा तरह से कैसा बना। बस यहाँ पे एक नया और आता है एग्जाम्पल में क्या आया है कि देखो शाखा एक ही रहे लेकिन उसका पोजीशन अलग अलग आ जाए तो उसके लिए आका जैसे दो है तो डाई लिखेगा, फिर रहेगा शाखा लेकिन पोजीशन अलग है तो कोई दिक्कत नहीं ट्राई लिखेंगे। यदि पोजीशन एक ही, यदि शाखा एक ही है लेकिन पोजीशन चार जगह है अलग अलग, उसके लिए टेट्रा लिख देंगे। जैसे पांच जगह आगे उसका पोजीशन लेकिन समूह है एक ही, जैसे C3 समूह एक ही है पांचों जगह पर, जैसे C2H5 समूह एक ही है लेकिन पांचों जगह पर, इसके लिए पेंटा जाता है, छह के लिए हेक्सा आता है। यानी कि देखिए वहाँ C3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी देखिए दूसरे स्थान पर है, यहाँ भी चौथे स्थान पर है, इसलिए मैं इसे क्या लिख दिया पोजिशन लिख देता हूँ पहले, तो 2.4 क्या C3 दो बार आया इसलिए मैं लिख दूंगा डाइमिथाइल। फिर क्या देखेंगे कार्बन की संख्या गिनेंगे, जो लंबा चेन पैरेंट चेन आया है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 6 जगह 6 कार्बन आया है तो 6 कार्बन के लिए हेक्स होता है, लेकिन यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड है इसलिए हेक्सेन हो गया इसका बना। दोस्तों ये आईपीसी नाम है जो बहुत आपको अच्छा कंसेप्ट है, आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों इससे आप बड़ा बड़ा है दोस्तों आईपीसी उसका ही बताऊंगा, उसमें डबल बॉन्ड रहेंगे ट्रिपल बॉन्ड उसको कैसे बनाएंगे उसको बताऊंगा दोस्तों। तो हमारा आपको ये वीडियो अच्छा लगा थोड़ा वीडियो को लाइक करें दोस्तों और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें ताकि बताएं कि कैसा आपको वीडियो लगा है, इसमें क्या परेशानी, मैं आपको समस्या को हल कर सकूं। दोस्तों अभी तक दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल D2Y स्टडी को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब प्लीज कर लें दोस्तों और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें ताकि सबसे पहले लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए दोस्तों, उसमें भी आपको बहुत अच्छी तरह से इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हाइड्रोकार्बन से, उसके लिए आईपीसी नामकरण के बारे में बताऊंगा, उसमें रहेंगे आपको समूह रह जाएगा क्रियाशील समूह रह जाएगा, जैसे अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, आप कार्बोक्सिलिक बहुत सारे उसका भी आईपीसी नामकरण बताऊंगा और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड उसका आपको अच्छी तरह से बताऊंगा दोस्तों। तो उसका नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए अवश्य दोस्तों। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।